बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो प्लीज़ देखा करें। और ये देखें जी, 9:30 का टाइम हो गया है और देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी धुंध पड़ी है। देखें इधर इधर इस टाइम बिल्कुल वाजिया हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन देखें गेट भी नज़र नहीं आ रहा हमें, अपना गेट भी नहीं नजर आ रहा। हाँ जी, कौन हो आप? अभी कुछ पकाया ही नहीं तो इतनी सुबह सुबह, अभी तो चाय बनाने लगे हैं, जाओ बेटा। और ये देखें जी, सुबह सुबह ही कोई बच्चा है वो मांगने वाला, तो इतनी धुंध में पता नहीं कैसे बच्चे निकल आते हैं बाहर, उसके सर पे टोपी भी नहीं है। ये देखें जी जरा बाहर का मौसम तो देखें, इतनी धुंध है ना जी। मैं जाने लगी हूँ नीचे क्योंकि जुनैर चला गया नीचे रोज। और ये देखिए जी, मैं जाने लगी हूँ नीचे। अच्छा जी, इन्होंने लगा ली है जी वाशिंग मशीन। ये कल इन्होंने कपड़े धोए थे सारे, ये देखें आज फिर इन्होंने वाशिंग मशीन लगा ली है। पता नहीं क्या मसला है, हर रोज लगा लेते हैं ये वाशिंग मशीन, क्या हुआ है? ये देखे जुनैर को नीचे लेने आई थी, पैसे अच्छा देती हूँ। ये देखें जी जुनैर जो चम्मच सारे इधर लेके आते, इधर रख दिए इसने। चल ठीक है, इधर से तो मैं ले ही जाऊंगी और बाहर गली की वीडियो भी बनाती हूँ थोड़ी सी। मैं आपको दिखाती हूँ जी गली, इधर आ जाओ मिर्खा। ये देखें जी गली में इतनी धुंध पड़ी हुई है ना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 10 बजे का ये टाइम है, इस वक्त इतनी धूप होती है ना इधर। हाँ जी, ये देखें जी, ओए होए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो देखे जुनैर पीछे है और वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये है मेरे ख्याल, ये नज़र आ रही है। आ जाओ, मुझे दो पैसे सारे। ये देखें जी, मैं आई हुई हूँ नीचे, तो नीचे आई हूँ तो इन्होंने कहा चाय पी के जाना, तो चाय पीने लगी हूँ। पीछे हो अब्दुल्ला बेटा। और ये देखें जी, इधर चाय बन रही है। कितने कप बनाने हैं जी? 4 कप। अब्दुल्ला क्यों रो रहा है, क्या हुआ है? कहना मैं नहीं जाना चाय पीने जी। अब्दुल्ला भी रो रहा है जी, मैंने चाय पीनी है। इधर मैं आपको अब्दुल्ला दिखाती हूँ, इधर आओ भाई। ये देखें जी, बन जाती है तो पी लेना ना अब्दुल्ला। और ये देखें जी, इन्होंने शीट लेके आए हैं, ये बड़ी प्यारी शीट है। पहले इधर लाइट जलाती हूँ। ये देखें, चलो बस करो जारी। ये देखें जी, डाइनिंग टेबल कितना प्यारा कवर हो गया अब। ये अब्दुल्ला रो रहा है इधर, और ये जुनैर को देखे बैठा है जैसे खाना खाने लगा इधर। ये देखें जी, दोपहर टाइम हुआ है 2:35, और हमने आज चावल खाए थे तकरीबन 1 बजे, सॉरी 12:30-1 बजे तो हमें लग गया भूख। अभी ज़ैन स्कूल से आया है, पता नहीं इस तरह की है, एक सी शायद है, एक सी ये वाली। और हमें लग गया भूख और हम खा रहे हैं जी नान पकौड़े मंगवा कर, साथ ही पता आपको घर के शॉप है हमारे उधर से। हाँ 800 टोटल, मैं गिनिया थना 4-5 पे। ये देखें जी, शाम 3:30 का टाइम हो गया, तो मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। ये चाय बन रही है और ये मैंने धोए हैं आलू, क्योंकि तो आज मैं पकाऊंगी आलू और गोभी। गोभी हम बहुत कम पकाते हैं, ये आज बंदे के घर में पसंद नहीं है। और ये देखें जी, पूरी को मैं टेस्ट करने लगी हूँ इधर। ये देखें जी, आलू धोए हैं, इसको मैं रखूंगी इधर। और ये देखें जी, आज मैं पकाऊंगी आलू और गोभी। ये इनका मसाला है, ये मैं इधर रख दिया मैंने। और इधर ये मैं गोभी
गोभी का फूल उसने जैन बड़ा ही लेकर आ गया, इतनी दी ये तो ज्यादा है हमें गोभी। हाँ जी आपकी है। और ये देखिए जी, आज मैं वीडियो ही बनाना भूल गई, जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मुझे जेन में नहीं रहा, पता नहीं क्या सोच के गई मैं, अच्छा मैं वीडियो बनाना भूल गई। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, ज़्यादा लहसुन और ज़्यादा अदरक, हरी मिर्च, टमाटर मैंने भून ली हंडी अच्छी तरह, मिर्चें मैंने अब डाल ली, साथ में जब मैंने लाइट ब्राउन की है ना प्याज, तो मैंने फिर गोभी डाल दी, दो मिनट वो भूनी, फिर मैंने साथ ही आलू डाल दिए। ये देखें आप, अब मैंने मसाले डालने हैं, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये देखें जी, टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिया, मैंने कहा चले छिलका उतर जाएगा, इसका छिलका उतार दूंगी इसका। ये देखें माशाल्लाह शक्ल देखें कितनी खूबसूरत, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिस दिन की मैंने अपनी हंडिया ली हुई ना ये वाली मिट्टी की, और आज मैं पहली दफ़ा इसमें खाना पका रही हूँ, माशाल्लाह से मैंने गोभी और बैंगन, मेरा दिल कर रहा कि मैं इसमें पकाऊँ, क्योंकि बैंगन बहुत ही मज़े के बनते हैं और गोभी भी इसमें बहुत मज़े की बनती है, कुछ भी पकाएं बहुत अच्छा बनता है। तो पिछली बार जब मैंने हंडिया ली ना मिट्टी की, तो मैंने भिंडियाँ पका ली, तो मुझे तरीका ही नहीं आ रहा था पकाने का, वो मेरी वीडियो शायद है यूट्यूब पे, इस बात को साल होने वाला हो गया मेरे चैनल को बने हुए, एक साल 31 अगस्त को मेरा चैनल बना था, लेकिन क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था बीच में से, ख़राब हो गया था, फिर मैंने 6 माह के बाद मैंने मोबाइल लिया बड़ी मुश्किल से, फिर मैंने दोबारा वीडियो अप, उसमें कोई 10-15 वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी उस मोबाइल में, तो फिर मैंने दोबारा से वीडियो ने अपलोड करना शुरू किया। ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत शक्ल है, आप यकीन करें ऐसे कच्ची कच्ची खा जाएँ गोभी। अच्छा मैं पहले कच्ची कच्ची गोभी बड़े शौक से खाती थी, लेकिन आज मेरा दिल अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। और ये शक्ल देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। अब मैं डालूंगी इसमें अदरक, ये देखें जी अदरक मैंने डाल दिया, अदरक मैंने कूट के रखा हुआ था अपने पास, फिर हंडिया लग जाती है अगर पहले डाल देना, मैंने कहा चलिए ऐसे ही डाल देती हूँ गोभी में। देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें आप, और जरा जी आप बाहर का व्यू भी चेक करें ना, मगरब की अजान हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा भी मैंने गूंद लिया है। ये देखें जी बाहर का मौसम, सुबह इतनी धुंध थी ना, मैं आपको बताती हूँ अभी, इधर नीचे भी मैं गई थी जब मेहमान गए थे ना, ये देखें ये जो मकान है ना, ये सुबह नज़र ही नहीं आ रहे थे, ये देखें लाइटें बल रही हैं दूर दूर, तो ऐसे ऊपर हाथ करके वीडियो बनाऊँ ना थोड़ी सी, तो दूर जो वो डबल मकान है ना, जैसे हम डबल घर में रह रहे हैं, तो वो सारे नज़र आते हैं इसमें, सुबह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और सुबह भी बनाऊँगी इंशाल्लाह अगर धुंध हुई ना। हाँ जी क्या जरी खा ली मूँगी, ठीक है ओके जहरी। और ये देखें जी माशाल्लाह से इसमें फूल निकले हुए हैं, ये देखें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि जब टमाटर को फूल लग जाते हैं तो फिर टमाटर लगेंगे या ऐसे ही फूल रहेंगे, पता नहीं क्या होता है इसके साथ। और ये शॉपर मैंने इसलिए रखा हुआ है निकाल के कि जो जो हरी मिर्ची है ना, इनको सर्दी बहुत महसूस होती है, तो मैंने इसके ऊपर ना जैन को कहूँ कि किसी तरीके से इसके ऊपर डाल देते हैं। और चलें जी हंडिया देखते हैं जाके कितों तक पहुंची हांडी साड़ी। हेलो जी, और अब मैं आपको इधर विंडो से इधर का व्यू दिखाती हूँ, इधर कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी मेरी जो हंडिया है वो तैयार हो गई है, और कलर देखें जी कितना खूबसूरत है, गोभी बहुत ही मज़े की मुझे लग रही है, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं की, अभी मैं आपको दिखा दी, देखें घी छोड़ दिया है, घी मैंने कम ही डाला इसमें, ये देखें इतना घी नहीं डाला, इसको साइड पे कर देना, घी साइड पे आ जाएगा। अच्छा इसका मुझे ढक्कन नहीं मिला था, फिर ये सिल्वर का एक है, यही मैं दे देती हूँ इसके ऊपर। ये देखें जी आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का मेरा सालन पका है, और जैन भी कमरे में खा रहा है,
मैं रोटी के ऊपर रख के सालन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़े शौक के साथ खाती हूँ। मेरा फेवरेट है रोटी के ऊपर सालन रख के खाना।